इस वीडियो में हम सिंपलीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 52 इंटू 27। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पर पे दिया गया है 52 इंटू 27 बाई 6 प्लस 22 हो गया है, ठीक है। तो 3 से हो जाएगा 3 9 27, 3 2 6, 2 से ये हो जाएगा 2 2 4, 2 6 12, और 6 9 54, 5 9 2 18, 18 5 23, 23 में 22 जोड़ देना है, 4 2 6, 3 2 5, 256, 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 65%। 65% की वैल्यू होती है 13/20 इंटू 240 प्लस एक्स इंटू, देखो 25 पंचे 125, 6 150, 25 छक्को 100, 2 2 2 3 6, 2 2 4, 3/2 ये याद होनी चाहिए, 150 की वैल्यू, और यह 210 है। 0 से 0 कैंसिल, ये 12 बार कट गया, तो 12 3 36, 36 12 15, 156, और यहाँ पर पे है हमारे पास 3x इक्वल टू 210। तो 210 में से 156 माइनस करेंगे, तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 5 गया 5, तो 54 ही बचा हमारे पास, और 54/3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 1 3 4, 3 7 21, 3 8 24, 18 18 आ रहा है आंसर। तो कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट में आंसर बताना कि आंसर आ क्या रहा है। अगला क्वेश्चन है 5 6 20 4 24 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 5 30 2 32 बाई 5, यानी कि 5/32, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 12 अपन 16, 4 3 12, 4 6 16, 3/4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26.5% ऑफ 488, तो ये हमको निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 26.5 इंटू 488 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हमको, इंटू 26.5 हमको करना ही पड़ेगा। तो 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 5 6 20, 4 24 आ जाएगा, 8 6 48, 4 8 6 48, 48 4 52, 2 4 6 24, 24 और 5 29, तो 2 वाला आंसर आ रहा है। 2 वाले दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो ये या तो ये, तो गैस कर सकते हैं हम यहाँ पर पे, गैस करके भी हम आंसर दे सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। चलो एक डिजिट और निकाल लेते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 से कर लिया था, 6 से हमने कर लिया, तो अब बचा 2 से, अब 2 से बचा तो 8 2 16 हो गया, तो यहाँ पर पे हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाएगी 6 4 10 2 12, यानी कि 2 2, कुछ 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 गड़बड़ हुआ है। 0.32 वाला भी आंसर हो सकता है, 0.72 वाला भी आंसर हो सकता है। तो एक और तरीका हम अपना सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का। देखो हमको निकालना है 26.5%, किसका निकालना है, 488 का। तो 25% कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है। तो इतना आ जाएगा 25%, ये हमने क्या निकाला, 25%। अब हमको 1.5% निकालना है, तो 10% 1% हो गया 4, या 5 के बराबर, लगभग लगभग 5 के बराबर हो गया, 1% 5 के बराबर है, तो हमको चाहिए 1.5%, यानी कि 5 तो इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 27 29, तो 129.32 बिना देखे हम टिक कर देंगे, यही आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने पहले वाली जो अप्रोच थी वो गलत अप्रोच थी, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है,
तो अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 140 बाई 100 इंटू 56 प्लस 56 इंटू 140 इक्वल टू हमको निकालना है। तो 56 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 140। फिफ्टी सिक्स कॉमन लेके भी क्या करना है, अगर हम 56 और 140 दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो 140 इंटू 56, ठीक है, 1/100 यहाँ पर बचा, प्लस यहाँ पर पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है, तो ये हो जाएगा काफ़ी बड़ा आ जा रहा है इसको करके, तो इतना तो करना ही पड़ेगा हमको। चलो 4 को इसको कर लेते हैं, 56 × 14 हमको करना ही पड़ेगा। देखो 140/100 इंटू 56 प्लस 56 इंटू 140 यही है, तो 64 84 8 54 70 70 और 8 78, ठीक है, इतना आ जाएगा, प्लस इतना ही यहाँ पर आएगा 7840 और एक जीरो और लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 100 है तो ये 78.4 हो जाएगा, तो 78.4 हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ये परसेंटेज है, यहाँ पर भी क्या है, डिवाइड बाई 100 है, यानी कि 78.4 इंटू 2, मैंने परसेंटेज नहीं देखा, गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 7 × 14 = 15, यानी कि 156.8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ी सी भी गलती हो जा रही है तो गड़बड़ हो जा रहा है, क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 4 × 16 4 × 6 = 24 प्लस 4/10 माइनस 1/6, तो यहाँ पर पे 60 एलसीएम आएगा, 60 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 24 माइनस ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 30 54। 54/60 नंबर को हाफ ऑफ कर लेते हैं तो 2 × 2 = 4 27/30, 3 से काट लेते हैं, 3 × 9 = 27 9/10, 9/10 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8000 / 16 -200 इक्वल टू एक्स इंटू 6, ठीक है, 8 × 2 = 16 होता है, 2 आ गया, 2 से ये 1000 है तो ये 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 बराबर एक्स गुणा 6, 6 × 5 = 30 = 50 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 73 × 18 प्लस 486 बराबर एक्स प्लस ये 13 का स्क्वायर है तो ये होता है 169 के बराबर होता है, तो 18 × 54 5 18 × 5 = 72 हाँ 18 × 7 = 126, 126 ही होता है क्या, 7 × 8 = 56 5 × 7 = 7 5 = 12 हाँ 126 होता है, 18 × 18 = 54 18 × 7 = 126 126 और 5 131 ये इतना आ गया, इसमें हमको 486 ऐड करना है, ठीक है, ये हो जाएगा 6 4 10 8 और 1 9 और 1 10 4 3 7 और 1 8 यानी कि 1800 हो गया, तो इसमें से हमको 169 माइनस करना पड़ेगा, तो लास्ट में 1 केवल एक ही जगह है तो 1 वाला आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर लेना, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, देखो आंसर सही आ रहा है हमारा, 7 में से 1 गया 6, तो 1631 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/8 × 6/7 ऑफ 11200, ठीक है, 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखो 4 × 2 = 8 होता है,
चार अट्ठा 32 होता है, ये हो गया। 7 चक्कू 28 होता है, 400 आ गया। 400 और 4 तीन 12, तो 1200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 1200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमने निकाल लिया 15th क्वेश्चन का, उसका आंसर आया 1200। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6990 डिवाइड बाई 15 इंटू 468 डिवाइड बाई 18। तो इसका आंसर हमको निकालना है। तो 15 से अगर इसको काटें, देखो 18 से भी काट सकते हैं, तो 2 से ही काट लेते हैं पहले। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू 8, 2 से कट जाएगा ये, 2 नौ 18। तो 9 से देखते हैं अब, 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 9 6 54, 26। इसको 3 से काट लेते हैं, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 तीन 9 0। 5 से इसको काटना पड़ेगा, तो 5 चक्कू 20, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 466 मल्टीप्लाइड बाई 26, तो 6 छक 36, 3, तो 6 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो 6 हमको एक जगह मिल गया, तो वही आंसर में हम टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 ऑफ 24% का मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू 500 है -32। तो ये 0 0 से 0 0 कैंसिल, ये 3/5 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो 24 तिया 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 24 तिया 72 होता है, 72 -32 यानी कि 0 40। तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 डिवाइड बाई 29 इंटू 87 डिवाइड बाई 102 इंटू 48 डिवाइड बाई 27 इंटू 3/2। तो इसको सॉल्व करना है अब। देखो कैसे कर सकते हैं। 17 छक्का 102 होता है, 6 अट्ठे 48 होता है, यहाँ पर 8 आ गया, 2 से ये 4 बार कैंसिल हो गया। थोड़ा सा हौच पौच हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, 27 बचा है नीचे, 3 नम 27 हो जाता है, तो 9 बचा। तो अब हमारे पास कितना बचा, 87 इंटू 4 डिवाइड बाई 29 इंटू 9, तो यही हमारे पास बता बचा। 3 से ये कैंसिल हो सकता है, 3 दूनी 6, 3 नम 27 और 3 तिया 9, तो 29 से 29 कैंसिल, तो 4/3 आ गया हमारे पास, 4/3 आ रहा है मेरा तो आंसर। तो 3 से अगर कर लेंगे तो 3 एकम 3 1 4, यानी कि 3 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2209 -12 मल्टीप्लाइड बाई 5 ऐसा है। तो ये देखो ऐसे करेंगे, यहाँ पर 3 तिया 9 होता है और 7 57 49 होता है, और 4 चक्कू 16 होता है, 47 यही आएगा, तो 4 5 20 22 है, तो 47 हो जाएगा। इसमें से 12 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 35 गुणा 5, तो 35 गुणा 5 कितना होता है, नंबर का आधा करना पड़ेगा, 35 का आधा कितना होता है, 17.5। 17.5 मतलब 175 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसको हम 88 ले लेंगे, 88 इंटू 88, एक ज़ीरो बढ़ गया अपॉन 10 रहा, डिवाइड बाई 1/8 हो गया है, और मल्टीप्लाइड बाई 6 है, ऐसा का ऐसा ही है। तो 8 से ये कैंसिल हो गया 110 बार, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास है 88। तो 8 यहाँ पर लिखा, 8 यहाँ पर लिखा, 8 8 16 होता है, 6 और 8 और 1 9 हो जाएगा, 968 मल्टीप्लाइड बाई 6, 8 6 48,
क्या 10th प्लेस में कुछ जीरो बचा हुआ था क्या? क्या हमने कोई जीरो लगाने में कोई दिक्कत करी? हाँ, एक जीरो लगेगा, कोई बात नहीं। तो 8 6 48, 4 6 6 36, 36 4 40, तो बहुत जगह ऐसा आ रहा है। 8 6 48, 6 6 36 40, 4 6 9 54, 54 और 58, 58 यानी कि 5580.8। तो ये बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 90 × 6, ये और 73। तो 18 5 90 होता है, 6 5 30, 103 आ गया। तो 103 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।